वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए योगी सरकार ने शुरू की तैयारी, बच्चों के लिए खास इंतजाम। जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने उत्तर प्रदेश को काफी ज्यादा प्रभावित किया। हालांकि अब धीरे धीरे हालात में सुधार हो रहा है और नए कोरोना मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। इस बीच कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए योगी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी। यूपी में 12 साल से कम आयु वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए स्पेशल टीकाकरण शिविर लगेगा। PICU NICU के जिला अस्पतालों में स्थापना की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। ब्लैक व्हाइट फंगस के बाद येलो फंगस ने बढ़ाई टेंशन, पढ़े ये खबर। कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के कहर के बाद येलो फंगस ने दस्तक दी है। यूपी के गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला मामला सामने आया। मरीज पूर्व में कोरोना संक्रमित रहा है, इसके अलावा वो डायबिटीज से भी पीड़ित है। येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। जारी हो गया कोरोना कर्फ्यू का नया आदेश, जानिए कौन सी दुकान कितने बजे तक खुलेगी। प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना कर्फ्यू के लिए आदेश जारी होने के बाद वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जनपद वाराणसी में आंशिक कोरोना कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया। इस तरह वाराणसी जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में आंशिक कोरोना कर्फ्यू 31 मई की सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान लोगों और उनके वाहनों का आवागमन, वजन सामान्य का घर से बाहर निकलना और सभी व्यापारिक व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। अखिलेश सरकार में यूपी सहकारी चीनी मिल संघ के MD रहे BK यादव के खिलाफ CBI जांच शुरू, जाने पूरा मामला। 2013 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश सरकारी चीनी मिल संघ के प्रबंधक रहे BK यादव के खिलाफ CBI ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि CBI को शुरुआती जांच में ही यादव के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले थे, जिसके बाद प्राथमिक दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। बता दें कि BK यादव पर 2013 से 17 के बीच यूपी में चीनी मिलों के कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रमोशन और ट्रांसफर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बढ़ाई चुनावी हलचल, कांग्रेस इस बार दिखा रही है दम। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में रविवार को हुई बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त तरीके से हलचल शुरू हो गई। भाजपा के सूत्रों की माने तो लंबे अरसे बाद मंत्रिमंडल का फेरबदल होना तय माना जा रहा है। मंत्रिमंडल के फेरबदल की प्रमुख वजहों में अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव भी शामिल है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बिना भी 18 से 44 साल वालों को लगेगा कोरोना का टीका। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए 18 से 44 साल के लोगों को अब पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस आयु वर्ग के लोगों को सीधे केंद्रों पर पहुंचकर टीका लगवाने का आदेश दिया है। हालांकि टीका लगवाने से पहले मौके पर ही cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन होगा। कई राज्यों से स्लॉट बुक किए जाने के बाद भी लोगों के न पहुँचने और वैक्सीन के खराब होने पर ये फैसला लिया गया है। 10वीं 12वीं की परीक्षाएं नहीं हुई रद्द, अभी फैसला आना बाकी। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को सचेत रहने की आवश्यकता है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द नहीं हुई हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 2021 की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है। यूपी में बड़े फेरबदल की संभावना, अरविंद शर्मा बन सकते हैं डिप्टी CM। BJP और संघ के बीच दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद अब यूपी में बड़े बदलाव के कयास हैं। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक PM मोदी के करीबी पूर्व IAS और MLC AK शर्मा को डिप्टी CM बनाया जा सकता है। ये भी माना जा रहा है कि जल्दी यूपी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिनमें 5 नए चेहरे शामिल किए जाएंगे और करीब 7 ऐसे मंत्री हटाए जाएंगे जिनके विभागों की PMO तक शिकायत जा चुकी है। 27 जिलों में तूफान का अलर्ट, सभी DM को जरूरी तैयारियां करने के निर्देश। मौसम विभाग ने यूपी के 27 जिलों में 24 से 28 मई के बीच तूफान की चेतावनी दी। संबंधित जिलों के DM को जरूरी तैयारियां करने के निर्देश हैं। मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बदायूं, कासगंज, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, संत कबीर नगर, महाराजगंज और कुशीनगर जनपद को अलर्ट किया गया है। सेंसेक्स 111 की बढ़त के साथ 5651 पर बंद, बैंक शेयर्स में हो रही खरीदारी। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सेंसेक्स 111.42 अंकों यानी कि 0.22% की बढ़त के साथ 50651.90 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 22.40 अंकों यानी कि 0.15% की बढ़त के साथ 15.97.70 के स्तर पर क्लोज हुआ। सोमवार को बैंक शेयर्स में खरीदारी रही, जबकि मेटल सेक्टर दबाव में रहा। कोरोना के घटते मामले, लॉकडाउन खुलने की उम्मीद और विदेशी बाजारों से मिली मजबूती से बाजार हरे निशान में बंद हुआ।
बाजार में आज बढ़त के साथ कामकाज हुआ और कारोबार के अंत में ये हरे निशान में बंद हुआ। यूपी ने खाद्यान्न उत्पादन का फिर बनाया नया रिकॉर्ड। कोरोना संक्रमण के प्रकोप के बीच सूबे में गेहूं खरीद की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। अब तक खाद्यान्न उत्पादन 624.33 लाख मीट्रिक टन हो चुका है, जो प्रदेश के लिए फिर एक नया रिकॉर्ड है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सोमवार को बताया कि सरकार 6.71 लाख कृषकों से 33.77 लाख मीटन गेहूं खरीद चुकी है, जो गत वर्ष से बहुत ज्यादा है। आधार आधारित खरीद और PFMS के माध्यम से 13.05 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि वर्षा की चेतावनी को देखते हुए सरकार के निर्देश पर सभी क्रय केंद्रों पर रखे गेहूं को विधिवत सुरक्षित करके रखा गया है। कोरोना से मरने वाले शिक्षक आश्रितों को सहायक अध्यापक और लिपिक पद पर नियुक्ति देगी सरकार। पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने से मरने वाले शिक्षकों के परिजनों को सरकार कनिष्ठ लिपिक और अध्यापक के पद पर नियुक्ति देगी। अभी तक मृतक आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर केवल चतुर्थ श्रेणी पद पर ही नियुक्ति मिलती थी, लेकिन सरकार के इस निर्णय के बाद अब उन्हें योग्यता के आधार पर नियुक्ति मिल सकेगी। नव निर्वाचित प्रधानों ने इस काम से किया मना तो तुरंत चली जाएगी प्रधानी। पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश। अगर कोई प्रधान या सदस्य शपथ लेने और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है या अन्य प्रकार से उसे अस्वीकृत करता है तो ये समझा जाएगा कि उसने तत्काल अपना पद रिक्त कर दिया। पंचायती राज अधिकारियों ने इस संबंध में सोमवार को निर्देश सभी जिलों को भेज दिए। प्रदेश में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नव निर्वाचित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों का ऑनलाइन शपथ ग्रहण मंगलवार 25 मई से शुरू होकर 26 मई तक चलेगा। सभी जिलों के जिलाधिकारियों की देखरेख में जिला पंचायत राज अधिकारियों ने इस ऑनलाइन शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी कर ली थी। सब इंस्पेक्टर के 9027 पदों पर 15 जून तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने नागरिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर, PAC में प्लाटून कमांडर व फायर सर्विस में अग्निशमन अधिकारी द्वितीय के 9534 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर 15 जून कर दी। इसमें सब इंस्पेक्टर के 9027 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 मई थी। हिसार में किसानों का हल्ला बोल, राकेश टिकैत बोले, दिक्कत कोई ना, छाव है, 2024 तक बैठेंगे हम। हरियाणा के हिसार में सोमवार को किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन जल्द खत्म होने वाला नहीं, यह आंदोलन 2024 तक चलता रहेगा। यहां कोई दिक्कत नहीं है, छांव है, सब किसान यहीं रहकर आंदोलन करते रहेंगे। उधर किसानों के प्रदर्शन के चलते हिसार में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। डाकघर की इस स्कीम में लगाए पैसा, बिना रिस्क हर महीने मिलेगा अच्छा रिटर्न। मंथली इनकम के तौर पर पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम MISB अच्छा प्लान है। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट पर आपको हर महीने रिटर्न मिलता है। इसमें सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं और एक मुश्त रकम जमा कर सकते हैं, जिस पर हर महीने ब्याज मिलेगा। सिंगल अकाउंट में 4.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, ज्वाइंट अकाउंट में निवेश की रकम डबल हो जाती है। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर उतरते समय गाय ने मारी एंट्री, धूल को चीरते हुए दौड़े सुरक्षाकर्मी। आजमगढ़ में सोमवार की दोपहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी सेंध लग गई। उनका हेलीकॉप्टर उतरते समय गाय ने एंट्री मार दी। एक तरफ सीएम योगी का हेलीकॉप्टर तो दूसरी तरफ गाय को ठीक हेलीपैड की तरफ जाते देख सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। तत्काल कई पुलिस वाले डंडा लेकर दौड़े और हेलीकॉप्टर के कारण उड़ती धूल को चीरते हुए गाय को दूसरी तरफ भगाया। भारत बायोटेक जून से करेगी बच्चों में वैक्सीन का परीक्षण, WHO देगा मंजूरी। भारत बायोटेक जून से बच्चों के लिए COVID-19 वैक्सीन पर परीक्षण शुरू कर सकता है। कंपनी को तीसरी या चौथी तिमाही के अंत तक कोवैक्सीन के परीक्षण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी मिल सकती है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी ने नेजल वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। इसे वैक्सीन के जरिए नाक के जरिए डोज दी जा रही है। LIC की पॉलिसी खरीदने वाले हो जाएं सावधान, वरना एक कॉल से डूब जाएगी आपकी मेहनत की कमाई। कोरोना काल में लोगों के साथ फ्रॉड की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। बैंक्स के बाद अब लोगों की LIC पॉलिसी के पैसों पर डाका डाला जा रहा है। बीते कुछ दिनों से इस तरह की घटनाओं में तेजी आई है, इसलिए देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को अलर्ट कर रही है कि फोन पर किसी को भी अपनी पॉलिसी से जुड़ी निजी जानकारियां ना दें। इसके अलावा झूठे वायदे करके लोगों को ठगा जा रहा है। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से नहीं हुई मुख्तार अंसारी की पेशी, गैंगस्टर कोर्ट में रिमांड अर्जी पर चल रही है सुनवाई। मऊ जिले के सदर विधायक मुख्तार अंसारी के रिमांड को लेकर आजमगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर कोर्ट में अर्जी लगाई हुई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के चलते मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट में पेशी नहीं हो सकी। लगभग 2 घंटे तक लिंक मिलाने का प्रयास किया गया और इसके बाद न्यायाधीश ने सोमवार को होने वाली सुनवाई को टालते हुए मंगलवार को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी आजमाया जाएगा बंगाल वाला नुस्खा, भाजपा के खिलाफ वोट देने की अपील करेंगे किसान।
अगर कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच समय रहते कोई बात नहीं बनी तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के दौरान किसान भाजपा के खिलाफ मतदान करने की अपील करेंगे। ये नुस्खा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में काफी कारगर रहा और किसानों का दावा है कि उनके विरोध के कारण ही भाजपा अपने बंगाल मिशन को कामयाब बनाने से चूक गई। किसान अब वही आजमाया हुआ नुस्खा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भी आजमाना चाहते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के सभी 40 किसान संगठनों के बीच इस पर विचार विमर्श चल रहा है और जल्द ही इस पर एक राय कायम कर ली जाएगी। ओवैसी ने उठाया लद्दाख का मसला, कहा हालात चिंताजनक, क्या छिपाना चाहता है पीएमओ। लद्दाख के मुद्दे पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी का कहना है कि चीन अभी भी हमें डिप्सांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और डेमचौक में जाने की इजाजत नहीं दे रहा। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने LAC के हालात के बारे में न तो संसद में कुछ बोला और न ही मीडिया में कुछ बोल रहे हैं। AIMIM चीफ ओवैसी ने कहा कि लद्दाख में हालात अभी भी चिंताजनक हैं। पीएम कार्यालय ने न तो आधिकारिक रूप से प्रेस को जानकारी दी और न ही संसद में सवालों के जवाब दिए। आखिर वो क्या छिपाना चाहते हैं। यूपी में 24 घंटे में 3,981 नए कोरोना मरीज मिले, 23 दिन में 2,34,000 एक्टिव केस कम हुए। उत्तर प्रदेश में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट मॉडल का असर दिखने लगा है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3,981 पॉजिटिव केस आए। वही कोरोना से जंग जीत कर 11,918 मरीज घर पहुंच चुके हैं। सक्रिय मामले 3,10,000 से घटकर 76,703 हो गए हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी 17% के लगभग पहुंच गई थी, जो अब घटकर 2% के आसपास आ गई है। लाखों NPS निवेशकों को मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी, आप भी करते हैं निवेश। पेंशन के लिए प्रोविडेंट फंड समेत कई विकल्पों के साथ नेशनल पेंशन सिस्टम में भी निवेश करने वालों का विकल्प होता है, लेकिन इन सभी पेंशन विकल्पों में एक शर्त जरूर होती है, वो ये कि आप एक तय समय से पहले एक बार में अपने पंच की पूरी रकम नहीं निकाल सकते। लेकिन अब नेशनल पेंशन सिस्टम NPS का प्रबंध करने वाली पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक प्रस्ताव लेकर आई है। PFRDA के इस प्रस्ताव के तहत NPS में योगदान करने वाले लोगों के पास विकल्प होगा कि वे 5,00,000 रुपए तक की रकम निकालकर किसी दूसरे निवेश में लगा सकें। 44 करोड़ ग्राहकों को SBI योनो ऐप पर जल्द मिलेगी ये नई सर्विस, होगा ये फायदा। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI के इंटीग्रेटेड डिजिटल बैंकिंग मोबाइल ऐप SBI योनो ग्राहकों को नई सर्विस देने वाला है। SBI योनो अपने मोबाइल ऐप पर ग्राहकों को टू व्हीलर और एक्सप्रेस क्रेडिट कैटेगरी में क्विक लोन देने की तैयारी कर रहा है। देश सबसे बड़ा सरकारी बैंक बिना ऐप के 2.5 लाख रुपए तक का टू व्हीलर लोन और 20 लाख रुपए तक का एक्सप्रेस क्रेडिट लोन प्रदान करता है। नई सर्विस शुरू होने के बाद SBI के ग्राहक मोबाइल ऐप से ही ये लोन प्राप्त कर सकेंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज UP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।